उत्थे एक संदीप नाम का व्यक्ति बीजेपी का कोई लीडर होगा। संदीप नाम का व्यक्ति कह रहा कि गुरद्वारा साहब खोल के तुम चले जाने ये साढ़े लिए नसूर आ। एक बार फिर तो पंजाब दे विच सिखां दे हिरदे बलूंदरे गए आ, जिहड़े बहुत ही मंदभागी शब्द बोले गए। उस तो बाद नालों नाल ही कुछ टाइम के एक वीडियो वायरल होंगी जिस दे कहिंदा कि जो भी मेरे तो बोलिया गया उसकी मैं माफ़ी चाहुंदा हाँ। देखो पहली गल तो मैं सुनी आ वीडियो, मैं ये बारे कहना चाहूँगा कि मान लो कोई फिरका प्रस्ती दे बयान जी साड़ी सिख कम्यूनिटी में साड़ी कोई स्टेज हैगी आ धार्मिक स्टेज है तो उत्थे अगर कोई बंदा शरेआम इदा किसी भी कम्यूनिटी टारगेट करता जी हिंदू वर्ग न जा साडे मुसलमान भाईचारे नूं जी, ते मैनूं लगदा कि साडी कौम च इन्ना दावा कि असीं बाहों फड़ के पासे कर देंगे कि तू पासे हो जा। एज़ पर हिस्टरी अगर आपां गल करिए ना इतिहासक तत्थ ने कि हमेशा हिंदू वर्ग दे नाल सिख कौम ने मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के, बल्कि नॉट ओनली हिंदू वर्ग बल्कि सारिया कम्यूनिटीज नाल असीं रल के चले हाँ जी। बिल्कुल कि एक पासों तो मैं इन्हों भी कटहरे से खड़े कर लूँगा कि गुरु घर हिस्टरी जोड़े इतिहास न जुड़े हुए गुरु घर उन्होंने नेड़े तेड़े ठेके खुले हुए हैं। एस जी पी सी मैं तो घेरूंगा कि मतलब कुछ ना कुछ करो ना तुम उन्होंने स्टैंड लो, कुछ उस चीज़ों को भी नज़रअंदाज ना ना करो। अगर किसी तरह का कोई लीगल एक्शन ज कोई हो पॉसिबिलिटी होगी तो वह मुताबिक असं जथेबंदी फिर विचार करके कार्रवाई करा जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। तुहानू दस दिए कि बीते दिन एक बीजेपी का प्रोग्राम हो रहा, मंच संचालन हो रहा, चोन प्रचार हो रहा, जिस के दौरान योगी आदित्यनाथ भी उस मंच के बैठे हुए थे, जिहड़े अक्सर ही गुरद्वारा साहब के नतमस्तक हो जाते, बहुत वधिया गल है। पर उत्थे एक संदीप नाम का व्यक्ति बीजेपी का कोई लीडर होगा, संदीप नाम का व्यक्ति कह रहा कि गुरद्वारा साहब खोल के तुसी चले जाने हो ये साढ़े लिए नसूर आ। मैं फिर तो दस दिना कि गुरद्वारा साहब नूं कहा गया कि ये साढ़े लिए नसूर आ, तुसी गुरद्वारा साहब बना के चले जाने हो। एक बार फिर तो पंजाब दे विच सिखां दे हिरदे बलूंदरे गए आ, जिहड़े बहुत ही मंदभागी शब्द बोले गए गुरद्वारा साहब नूं एक बीजेपी के लीडर वल्लों। तो बाद विच उह वी दस दिंदे आ कि उस तो बाद नालों नाल ही कुछ टाइम दे विच एक वीडियो वायरल होंदी जिस दे विच उह कहिंदा कि जो भी मेरे तो बोलिया गया उसकी मैं माफ़ी चाहुंदा हाँ। पर एक अहुदेदार बंदा एक लीडर अजिहे शब्द बोले, बहुत ही मंदभागी, वह भी सिखां दे गुरद्वारा साहब वास्ते, तो जिस नाल पंजाब दे विच फिर तो सिखां दे जिहड़े हिरदे आ बलूंदरे गए। ये सारे घटनाक्रम ते सारे जिहड़े मंदभागी शब्द बोले इन्हां ते मेरे नाल गलबात करनगे धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी कमेटी दे प्रधान, सत्कार कमेटी दे प्रधान जसप्रीत सिंह ढोलन जी। पहला उन्हां दा स्वागत कर रहे हैं। बाबा जी वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू की फतेह जी। बाबा जी पहला तो सब तो पहला जिहड़ी मंदभागी घटना एक बीजेपी दे मंच दे दौरान एक संदीप नाम दा व्यक्ति जिहड़ा सिख गुरद्वारा साहिब नूं नसूर बोल रहा, देखो पहली गल तो मैं सुनी आ वीडियो, मैं ये बारे कहना चाहूँगा कि मान लो कोई फिरका प्रस्ती दे बयान जी साड़ी सिख कम्यूनिटी में साड़ी कोई स्टेज हैगी आ धार्मिक स्टेज है तो उत्थे अगर कोई बंदा शरेआम इदा किसी भी कम्यूनिटी टारगेट करता हिंदू वर्ग नूं जा साडे मुसलमान भाईचारे नूं, तो मैनूं लगता कि साडी कौम च इन्ना दावा कि असीं बाहों फड़ के पासे कर देंगे कि तू पासे हो जा जी। ठीक है ना, असी रिस्पेक्टेबल है यार सारे वर्ग साढ़े लिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मतलब एक किस तरह है, मतलब इन्होंने बैठे ने कोई रिस्पोंसिबिलिटी इन्हों की सीख नहीं, योगी आदित्यनाथ जो बैठे ने स्टेज दे विच जिहड़े अक्सर ही आप गुरुद्वारे विच नतमस्तक होंदे वेख सकते हैं, हाँ जी वो करते हैं रिस्पैक्ट, मतलब यदा मतलब कला दिखावा है वा जी, मतलब आपां नूं ये चीज़ का विरोध तो सिख कम्यूनिटी तो करे, उस तो पहले तो उन्होंने कर देना चाहिए सी
जी बिल्कुल बिल्कुल, गुरु घरां नूं नासूर दस रहा है बंदा, मैं बेवकूफ कहूंगा इस बंदे नूं जी बिल्कुल, क्योंकि इहनूं इतिहास नहीं पता जी। अगर इतिहास तो जाणू हुंदा, इहनूं पता हुंदा वी लगभग 95% तो वध कुर्बानियां दे के इस मुल्क नूं आजाद कराया सिख कौम ने जी। बिल्कुल बिल्कुल, देश दा कतरा कतरा साडी कौम दे खून नाल भिज्जा होया जी। मतलब कर्जदार ने तुसीं, मतलब साडी कौम दे जी, मतलब तुसीं ठेका लै लै के, मतलब तुसीं इह जिहियां गल्लां सानूं बोलोगे आए दिन ते फिरका प्रस्ती फैलाओगे जी। देश दे उपर साडी दावेदारी आ, इह दावेदारी असीं मुफ्तो मुफ्ती नहीं लई जी। असीं अपना, साडी कौम ने, असीं जिन्हां दे वारस आ, साडी कौम ने अपना खून डोल के इह दावेदारी लई आ, असीं वारस आ, उहनां दा सानूं माण आ जी। मतलब ये आए दिन जो ये फिरका प्रस्ती दे बयान हो रहे ने ना, मतलब ये कितना कितने जिम्मेवारी बनती है इन्हां दी, जिहड़े आगू ने उहनां नूं चाहिदा कि इहनूं सख्ती नाल इस चीज़ का हल कोई आप ही कर दे जी। इस तो बाद एक वीडियो वायरल होंदी उही संदीप सिंह दी, जिहदे विच कह दिंदा कि मैं तो जो कुछ भी बोलिया गया मैं तत्ते सरूर विच बोल गया ते मैनूं माफ़ किया जाए। देखो माफ़िया वाला जिहड़ा ट्रेंड आ ना, ये आए दिन ही आप देख रहे हैं, बहुत मैं तो बोर हो जाने चीज़ों देख के जी। मतलब आ होर भी देखते आप, इतने एक अखौती जे आगू है, वो आए दिन एवं छेड़छाड़ करते रहेंगे, उरला नाले परला ये वो बोल बाल के, जो उन्हां दी कपत हुंदी आ फिर वो कहिंदे सानूं माफ़ कर दो जी। मतलब एक ही गल है इन्हां कोल, पहला मतलब गलत शब्दावली बोल के किसी हर्ट करना, किसी दी भावनावां नूं फीलिंग्स नूं, ते बाद चो हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मंग लेनी है, बेवकूफ़ी कहूँगा मैं इस चीज़ नूं। एस जी पी सी दे वी सवाब बयान आ रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया बहुत बड़ा गलत किया। देखो एस जी पी सी वालों ठीक है विरोध किया जा रहा, मैं शुक्र गुजार हाँ इन्हों का, वधिया किया उन्होंने अगर विरोध किया। मसला ये आ कि देखो एक तो मैं ये कहूँगा कि अपा एज़ पर हिस्ट्री अगर आप गल करिए ना, इतिहासक तत्थ ने कि हमेशा हिंदू वर्ग के नाल सिख कौम ने मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के, बल्कि नॉट ओनली हिंदू वर्ग बल्कि सारिया कम्यूनिटीज नाल असी रल के चले हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, देश की आज़ादी की लड़ाई है साढ़े पुरखियों ने रल के लड़ी है जी। ये फिरका प्रस्त लोगों को यह नहीं पता है कि हिस्ट्री इन्हों देखनी चाहिए है कि एक जम्मू कश्मीर के एक चंबे की कोई किसी राजे की राणी सी, शायद वो धी सी, वो कुछ ज़्यादा मतलब शकल सूरत तो सोहनी सी, उन्होंने तुरकों ने मतलब अगवा कर लिया कड़नैप चक्के लगे से कह सकते आप, तो उत्थे हिस्टरी दसदी है कि शहीद बाबा दीप सिंह जी, जस्सा सिंह आलूवालिया, तो होर साडे महान योध्या ने जंग करके मतलब वो बेटी की हिफाजत की थी उदी। जी बिल्कुल, तो फिर यह चीज़ा भी कोई बहुत पुरानी नहीं है कि जो अब्दाली को नादर शाह को अपन पता है ना, मतलब छड़ाइया ने धियां धियां भैन, तुम देखो लंगर वरत रहा वा जी, एक बजुर्ग आ तो वह प्रशादे जो वरता रहा था, जस्सा सिंह आलूवालिया जी ने जो दोने हाथ करके प्रशादे लिए दो हाथ किए तो वह प्रशादे वरता वाला बजुर्ग कुछ उदास से जी। इन्होंने कहा भी तुम प्रशादा मैं बाद चो पहले दसो की वजह थोड़ी उदासी की जी। वह कहें भी मतलब उदासी की वजह यही है कि मतलब मैनू तो समझ नहीं लगता भी किमें अपने रोटी लंघूगी, अपने मुल्क की तो गैरत न ललकारता तुरक ने साड़िया धियां साड़िया बेटियां चक के लै गए जी। तो उत्थे उस साडे महान योधे ने कहता सी कहना यह प्रशादा मैं उदों छकूँ आके जो मैं साड़िया धियां उन्होंने छड़ा लियाँगा, तो उत्थे ही चढ़ गया से वह प्रशादा जी। मतलब इन्हां चीज़ों बेवकूफ़ा नूं हिस्टरी का पता ही नहीं। एडे वे मंच के गुरद्वारा साहब नसूर बोल जाने के बाद एकांत कमरे में बैठ के माफ़ी का ट्रेंड कर लेना बेवकूफ़ाना जी, अपना जलूस आप कढ़ते हैं लोग, क्योंकि जेडे लोग उत्थे वेख रहे थे बाबा जी, मैं उन्होंने मन के कित ना कि गुरद्वारे प्रति जो शब्द बोले गए कई बार किसी के दिमाग च कहानी फिट हो जाती उस, तो बाद एकांत कमरे में जाके आप कल ही वीडियो पा दें कि मैथों माफ हो मैं माफ़ कर दो। उ है ना, देखो हम गुरु घर आप मान लो प्रबंधकी ढांचे की गल करो, चलो गुरुद्वारा सुधार कमेटी श्रोमणी कमेटी की आप गल करिए, चलो एस जी पी सी होंद च 100 साल होया होंद चाई नूं, इस तो पहला गुरु घर की जो बनाए ने कार सेवा महाराजा रणजीत सिंह तो आदकाल तो सिखा ने बनाए ने, बघेल सिंह करोड़ सिंह आ, जस्सा सिंह आलूवाली आ साडे महान योध्या ने कार सेवा कराई, नवे नवे गुरु घर सारिया कीतियां ने। मतलब ये कि एक पासों तो मैं इन्हों भी कटहरे खड़े कर लूँगा कि गुरु घर हिस्टरी जोड़े इतिहास न जुड़े हुए गुरु घर ने उन्होंने नेड़े तेड़े ठेके खुले हुए हैं, एस जी पी सी भी मैं तो घेरूंगा कि मतलब कुछ ना कुछ करो ना, तुम उन्हों का स्टैंड लो कुछ उस चीज़ों भी नज़रअंदाज ना ना करो। तो ये चलो वधिया किया इन्होंने विरोध किया, असं शुक्र गुजार इन्होंने धन्यवादी हाँ, पर मैं इन्हों कहूँगा कि जेडे
ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਸੰਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸੂਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸ਼ਵਰਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਿਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਬੋਲਣ ਕੇ ਮਾਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੋਲ ਲਓ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜੀ ਆਇਆ ਬੋਲਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਜੀ ਗਲਤ ਆ ਇਹ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਲਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੋੜ ਕੀ ਆਉਣਗੇ।